हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रभात और स्वागत करता हूँ आपको फिर से एक नए वीडियोज में। गैज, आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि गैज मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ और कोई नहीं बताएगा, ठीक है। और ये बात आपको शुरू से अगर आप लास्ट तक देखते हो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। उसमें कुछ चीज़ होगी जो कि आपको पता भी होगा, कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आपको नहीं पता होगा, आपको ही सीखनी है, ठीक है। और गैज मैंने पहले ही बता दिया था कि कोर्स जो मैं बना रहा हूँ वो बिल्कुल ही अपने माइंड सेट करके चल रहा हूँ, कि ये जो मैं बता रहा हूँ वो बिगिनर्स को सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस बात कर लेते हैं इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलेगी। तो हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग, मैं इसमें सबसे पहले एक ब्लॉग क्रिएट करूँगा, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद दूसरा जो है सो इसको सेटअप करूँगा, किस तरह से मैं सेटअप करता हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगा। और SEO, ये SEO वाली पार्ट जो है ना आपको बिल्कुल ही देखनी है, स्किप नहीं करनी है, ठीक है। और अगर बहुत सारे आदमी होगा जिनको पता होगा, लेकिन बहुत सारे आदमी ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल ही नहीं पता होगा, ठीक है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो गाइज प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आता है, सवाल आता है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। नहीं अगर और जो कि मैंने इस वीडियो से बता दिया, अगर आप लोग इस तरह की बातें आप पूछोगे मेरे को मैसेज करके, और जो मैं बता दिया हूँ वीडियो में, तो मैं इसका आंसर नहीं देने वाला हूँ, मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मेरा एक शब्द में कहने का मतलब ये है कि आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर के एंड तक देखें, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं इसमें क्या क्या आपको कंटेंट मिलने वाली है। तो आपको यहाँ पर बता दूं कि आपको पता व्हाट इज ब्लॉगर, ये आपको पता है ब्लॉगर क्या होता है। तो ब्लॉगर बेसिकली गूगल का प्रोडक्ट है, यहाँ पर आप फ्री में अपनी ब्लॉग एंड वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ब्लॉगर पर होस्ट आप कोई वेबसाइट को कर सकते हैं कस्टम डोमेन के साथ, क्योंकि वो कितने भी ट्रैफिक आए तो वो झेल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस पर काम करते हो तो वर्डप्रेस वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के होस्टिंग लिए हो। जैसे बहुत सारे होते हैं, अच्छा मुझे बेस्ट लगता है इंटर सर्वर और इधर लगता है होस्ट गेटर। तो जो आदमी जो प्रो ब्लॉगर है वो ये सब जो क्रिएट करते हैं उस पर वर्डप्रेस पर, और जो है सो अच्छा सा होस्टिंग लेते हैं, लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो क्योंकि आप स्टार्टिंग पीरियड में हो। तो इसीलिए मैं आपको ब्लॉगर पर बता रहा हूँ कि आप किस तरह से ब्लॉगर को अपना एक अच्छा सा ब्लॉग के लिए ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और किस तरह से कंटेंट लिखने से आप बताऊँगा, और SEO कैसे करनी है आज वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया वो डिफरेंस, बताने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस बिटवीन वर्डप्रेस एंड ब्लॉगर आपको पता ही है, ठीक है। हाउ टू बाय डोमेन, तीसरी पॉइंट अगर है, तीसरी पॉइंट के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप इवेंट ब्लॉगिंग के लिए काम करते हो तो आपको एक डोमेन भी चूज करनी आनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो आर्ट, ठीक है। तो आपको जो है सो एक इवेंट ब्लॉगिंग के लिए डोमेन भी चूज करनी आनी चाहिए। तो अगर आपको नहीं आता है, आपने वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज़ आप जाके एक वीडियो जो है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। और नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हो, हाउ टू चूज बेस्ट डोमेन प्लस इवेंट, ऐसे कुछ करके होगा। तो आप इस वीडियो को प्लीज जाके देख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा हाउ टू ऐड कस्टम डोमेन, ठीक है, आपको कैसे कस्टम डोमेन ऐड करना है। वैसे आप उसको वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप मैं उसको दिखाऊंगा बाद में आपको, जितना तक हो सकता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सारे कुछ बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक थीम देने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्सिव थीम है, ठीक है, फुल्ली SEO ऑप्टिमाइज थीम है जो कि मैं आपको देने वाला हूँ, और मैं यूज करता हूँ 1.5 साल से, ठीक है। तो आपको ये थीम मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और ये थीम को कैसे कस्टमाइज करना है मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। और 7 नंबर जो है वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब ये आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपका इस तरह से SEO करना है आपको, ठीक है। और अभी थीम का भी, जैसे मान लो आप, मैं जो थीम दे रहा हूँ ना उसको फुली ऑप्टिमाइज SEO थीम बनाना है मुझे, तो किस तरह से बनाएंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और गूगल वेब मास्टर में कैसे साइट सबमिट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे इंडेक्स कराने के लिए साइट में सबमिट करते हैं, ये मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। गूगल XML साइट में आपसे जनरेट नहीं करने वाला हूँ, मैं बिल्कुल नया चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही फास्ट है। और तीसरी और जो नवी बात है वो है गूगल एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स में कैसे आपको अपनी वेबसाइट को रखना है, ठीक है। तो इसके आगे क्या है, तो मेरा यही सजेशन है कि प्लीज़ सी द प्रीवियस वीडियो अबाउट हाउ टू चूज बेस्ट डोमेन, और जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, देखिए मैंने आपको पहले ही पॉइंट नंबर 3 का जो बात है इसी के लिए सजेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको जाना है blogger.com पर, ठीक है। तो blogger.com पर जाने के बाद आपके पास एक ईमेल होनी चाहिए जो कि आपको पता है बिल्कुल, जो कि जो आदमी न्यू है उनके लिए बताता हूँ, जो आदमी थोड़ा सा जानते हैं उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी आप देख लो, है ना।
उसमें ऐसा हो सकता है कुछ बात आपको जो पता नहीं हो, है ना, और हो सकता है कि आपको पता भी हो, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर कोई सा भी जो कि मेरा कोई ईमेल डाल देता हूँ, ठीक है। और गैज अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है मन में तो आप कमेंट करके पूछ लेना मेरे से, ठीक है। और गैज ये मुझे पता है कि ये जो है इस वीडियो में आपकी साउंड क्वालिटी जो मेरी है वो अच्छी हुई होगी क्योंकि मैंने माइक को जो है सो बैक कर लिया है, ठीक है गैज। तो अच्छा कोई प्रॉब्लम आती है ना तो पूछा करो, ठीक है। जो मत आता हूँ अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछा करो, अपना भाई ही है ना, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो गैज आपको इस तरह से खुल जाएंगे गैज, जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया था इवेंट ब्लॉगिंग पर कीवर्ड कैसे रिसर्च करते हैं, ये आज काम में लूँगा। जो कि मैंने कीवर्ड रिसर्च करके रखा था उसका काम लूँगा आज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कुछ भी, मैं लिखूँगा हैप्पी रमजान, हैप्पी रमजान 2018 इमेजेस, ठीक। और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना, हैप्पी रमजान 2018 IMAG.blogspot.in, चेक एड्रेस एबिलिटी, ये देखो ये है। तो आप बाद में कस्टम डोमेन भी आपको ऐड करना सिखाऊंगा, तो फिर तब तक मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। और आपको करना है क्रिएट अ ब्लॉग पर क्लिक, ओके। क्रिएट अ ब्लॉग पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको थोड़ा सा वेट करना है और आपका जो ब्लॉगर जो है ये आपका क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अभी नो टेंस करना है क्योंकि अगर आप वहाँ से डोमेन भी खरीदना चाहते हो तो आप डायरेक्ट गूगल डोमेन से खरीद सकते हो, लेकिन आपको डोमेन खरीदने की जरूरत अभी नहीं है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना, मेरा जो है ये तैयार हो चुका है। अगर मैं इसकी देखूँ, चलो तो यहाँ से पोस्ट लिखने का है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, मैं एक थीम अपलोड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं आपका थीम अपलोड करके दिखा देता हूँ। अभी कुछ अलग ही टाइप का दिख रहा होगा, थोड़ा सा अच्छा दिख नहीं रहा होगा, देख सकते हो आप इस तरह का दिख रहा है जो कि है। तो मैं आपको एक अच्छा सा थीम देने वाला हूँ जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना उसको, ठीक है। तो जाना है आपको डिस्क्रिप्शन थीम्स में जाना है, फिर उसके बाद जाना है बैकअप एंड रीस्टोर में, क्लिक करना है आपको और फिर यहाँ पर चूज फाइल करना है। तो गाइस आपको बता दूँ कि आपको जो है सो एक थीम जो है सो को मिल गया होगा BTNT करके, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो BTNT, ये आपको जो है आपने डाउनलोड करा होगा। तो उसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, फिर इसके अंदर जाना है, फिर इसके अंदर जाना है और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो BTNT, आप यहाँ पर देख सकते हो BTNT ब्लॉगर थीम, और यहाँ पर टाइप जो है XML डॉक्यूमेंट है। तो ये XML फाइल को क्लिक करना है और उसको ओपन कर लेनी है, ठीक है, और उसको अपलोड कर देनी है, ओके। ये बहुत ही अच्छा थीम है, रिस्पॉन्सिव थीम है, दैट्स व्हाई मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये मोबाइल में कुछ इस तरह से दिखेगा और ये लैपटॉप में कुछ इस तरह से दिखेगा। तो गाइस यहाँ पर एक बात बता देना चाहूँगा आपको, अगर आप मोबाइल में इसी तरह का छोड़ दोगे तो आप अच्छे से एड्स नहीं लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप अच्छे से ऐड नहीं लगाओगे, उस पर क्लिक नहीं होगा, तो मतलब चांस बहुत ही कम है आपकी जो है वेबसाइट की जो अर्निंग होगी अच्छी खासी होगी। तो आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग करनी है, सेटिंग क्या करनी है, यहाँ से आप थोड़ा ध्यान देते रहो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आना है और देखो यहाँ पर क्या लिखा, ऑन मोबाइल डिवाइस तो मोबाइल वर्जन ऑफ योर करंट डिवाइस, ना ना मुझे मोबाइल डिवाइस नहीं चाहिए, मुझे लैपटॉप डिवाइस ही चाहिए, लैप मोबाइल में भी, ठीक है। तो इसको नो पर क्लिक करना है और उस पर सेव कर लेना है, ये मेरा पहली स्टेप था, ठीक है। तो गाइज अभी मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा कि इसको किस तरह से कस्टमाइज करना है, बहुत कुछ बताने वाला हूँ, आप इस वीडियो को देखते हो। और जैसे पावर ब्लॉगर ये सब तो आप हटा ही सकते हो, तो आपको मैं जल्दी फटाफट यहाँ से हटा देता हूँ उसको, ठीक है। और फटाफट हटाने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि और किस तरह से आपको क्या करनी है, इस थीम को पूरी तरह से फुल्ली SEO ऑप्टिमाइज थीम कैसे में कन्वर्ट करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, आप जो है बिल्कुल आपको ये वीडियो पसंद आने वाली है, ठीक है। कुछ आपको नया तो सीखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ से ये सारे चीज़ हट चुके हैं, ठीक है। अब जो है सो मेरा तीन बात हटाना है, ये तो यहाँ पर तो ये कॉपीराइट वॉपीराइट उसको हटाएंगे और ये सब हटाएंगे, ये सब जरूरी है, क्यों जरूरी है मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जाना है एडिट HTML में, ठीक है, एडिट HTML जाना है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस तरह के जो अबाउट मी जो है उसको हटाना है, तो उसमें जाने के लिए आपको जाना है जंप टू एडिट में, और यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे आकर के प्रोफाइल वन है, उस पर क्लिक करना है।
प्रोफाइल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो जो विजिट है उसका जो टैग ओपन है और यहाँ पर टैग क्लोज है ना। तो यहाँ से यहाँ तक हो गए, यहाँ से किधर गया, यहाँ इसको डिलीट कर देना है और सेव थीम पर क्लिक कर लेना है। अच्छा अच्छा, ये विजिट का जो है ना यहाँ छूट गया, उसको डिलीट कर देना है और इसको सेव थीम पर क्लिक कर लेना है। ओके, और उसके बाद देख लेना है कि यहाँ से हटा कि नहीं हटा। आप देख सकते हो यहाँ से हट गया ये, ठीक है। तो आपको जो भी हटाना है ना, दिस सिंपल सी बात है, आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे मान लो सब्सक्राइब आया ईमेल है ना, तो ये देखो इसको कॉपी मार लो, ठीक है। इसको भी हटा देना है, वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें कंट्रोल ऐप कर लेना और इसको क्लिक करके इंटर कर लेना। देखो यहाँ पर देख सकते हो सब्सक्राइब आया ईमेल है या लिखा हो, तो इसको यहाँ से ले करके बी टैग जहाँ से ओपन हो रहा है और यहाँ से हटा देना है, ठीक। तो यहाँ से हटा के इसको सेव कर लेना है। अरे 1681 जो है लाइन रह गया, ये देख सकते हो यहाँ पर। अगर इस तरह के प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पर देख लेना, 1681 जो है सो कॉलम नंबर 9 जो है सो ये हटा, इसको रेड हो गया है, क्योंकि उजी टैग जो है सो वहाँ पर हट गया, तो उसको भी तो हटाना चाहिए। तो उसको हटा के सेव कर लेना है आपको, ठीक है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है सब्सक्राइब आया ईमेल, ये भी हट चुका होगा। तो ये सब आपको जो मन है वो मर्जी हटा लेना, और जो मन है और जो मेरा जो हटाने वाला काम और करना है ये आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, यहाँ पर देख सकते हो डिजाइन बाय है ना। तो यहाँ पर आपको कीवर्ड्स, अपनी कीवर्ड्स रखनी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हैप्पी रमजान 2018 इमेजेस जो है, यहाँ पर एक कीवर्ड्स बना हुआ है एंटर टेक्स्ट में, लेकिन आपको यहाँ पर जो है ना ब्लॉग टेक्स्ट लिखा हुआ है सेट बाय, ये यहाँ पर आपको कीवर्ड्स डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जाना है, कंट्रोल एफ करना है, कंट्रोल वी करना है और इंटर दबा देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो डिजाइन बाय यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो डिजाइन बाय में डिजाइन बाय लिखना है। और यहाँ पर जैसे अपना जो वेबसाइट है उसका ब्लॉग, ये ऐसे मान लो xyz.com अपना जो कस्टम डोमेन है वो यहाँ पर डालना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो है ना एंकर टैग डालना है, आपकी जो वेबसाइट की जो कीवर्ड्स है, मेन कीवर्ड्स है। तो जैसे मैंने आपको बताया था जो कीवर्ड रिसर्च किए थे उस दिन, मैंने आपको बताया था कि रमजान मुबारक जो है ये बहुत ही ज़्यादा सर्च हुआ था, है ना। तो मैं उसको यहाँ पर रखूँगा जो मेन कीवर्ड्स है ना। तो जो मेन्स कीवर्ड है तो वहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर दिया। और शेयर्ड बाय, शेयर्ड बाय जो लिखा हुआ है यहाँ पर भी आपको, यहाँ पर आपको सब कीवर्ड डालना है। देखो सब कीवर्ड्स क्या है, रमजान इमेज है ना। तो रमजान इमेजेज को कॉपी करना है और यहाँ पर देख सकते हो शेयर्ड बाय के बाद में यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट की जो है सो जो कस्टम डोमेन है वो मैं लेके चलता हूँ xyz.com, ओके, आपको बताने के लिए फॉर एग्जाम्पल। और इसके बाद आपको जो है यहाँ पर आई और ये जो लिखा है ना IGYT, तो उसको हटा करके आपको ये अपना रमजान इमेज लिख दिए। अगर आपके पास रमजान इमेजेस का, अगर आपके पास रमजान इमेजेस पर आपने कोई पोस्ट लिखा है तो आपको वहाँ पर अपना रमजान इमेजेस का यहाँ पर, जैसे मैं आपको बता दूँ ये शेयर्ड बाय यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इस नंबर लाइन में आप अपना URL दे सकते हो रमजान इमेजेस पर जो आपने पोस्ट लिखा है इसका। और अगर आपने रमजान मुबारक पर लिखा है तो ये पर यहाँ पर अपना जो है सो लिख सकते हो, नहीं तो आप अपना जो कस्टम डोमेन है वो आप डाल सकते हो, ठीक है। और उसको सेव, और सॉरी यहाँ पर आपको सेव थीम पर क्लिक करना है, ओके, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, उसको सेव थीम पर क्लिक करना है, ओके। और इसके बाद मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो है किस इस तरह से दिखने लगा। देखो यहाँ पर हैप्पी रमजान ऑल राइट रिजर्व डिजाइन बाय रमजान मुबारक, और यहाँ पर आपके लिंक दिया हुआ है और शेयर बाय रमजान इमेजेज, ठीक है। तो ये आपका बढ़िया अच्छा काम हो गया। तो इस तरह से काम करना है। और गाइज यहाँ पर आपको और बता दूंगा थोड़ा सा थीम कस्टमाइजेशन में, ये देखो यहाँ पर होम अबाउट अस ये है ना, इसको हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अबाउट को क्लिक करो फटाफट, ठीक है। और यहाँ पर जो है सो कंट्रोल ऐप करके कंट्रोल वी कर लो, इंटर कर लो। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो जो जो अलग अलग मतलब सर्विसेज है, तो उसको तो जो LI टैग है उसको यहाँ से रिमूव कर दो, ठीक है। और फ्री कलेक्शन ये बिना मतलब का काम है तो उसको रिमूव कर दो, ठीक है। एडवर्टाइज ये कहाँ से आ गया तो उसको भी रिमूव कर सकते हो। जैसे ब्लॉग है,
तो ब्लॉग इसी यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मान लो मेरा मेरा कीवर्ड्स क्या क्या था, तो मेरा जो सब कीवर्ड्स होगा, जैसे हैप्पी रमदान होगा है ना, तो मैं उसको कॉपी कर लिया ठीक है, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। और हैप्पी रमदान अगर मेरे पास पहले से कोई पोस्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं उसका URL डाल दूँगा ठीक है। और ये अवार्ड है, तो यहाँ पर भी मैं कोई सा कीवर्ड डाल दूँगा ठीक है। आपको सभी जगह कीवर्ड्स ही डालना है ठीक है, और जहाँ पर मैं बताऊँ वहाँ पर आपको मेन कीवर्ड डालना है। तो अवार्ड को क्लिक करके हटा दिया मैंने ठीक है, और कॉन्टेक्ट मी पर भी उसको हटाना है, और फिर उसको भी सब कीवर्ड्स डालना है। तो रमजान विशेष हो गया, तो उसको भी क्लिक करना है, और फिर यहाँ पर आपको पेस्ट कर देने का। और अगर ये हैच लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब होता है कि मतलब उसी वेबसाइट पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ठीक है, अगर उस पर क्लिक करेगा तो उसको कोई काम वाला बात नहीं, आपको पता ही होगा। तो ये अगर आप किसी पोस्ट लिखते हो, फिर रमजान पर पोस्ट लिखे हुए हो, तो आपको उस पोस्ट की यहाँ पर लिंक डालनी है। अगर नहीं लिखे हो तो आपकी कस्टम डोमेन की जैसे मान लो xyz.com ठीक है। यहाँ तक मैं आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ठीक है। तो फिर आप यहाँ पर आने के बाद आपको सेव टू थीम करना है। गाइस मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर और कुछ बताने वाला हूँ कि थीम को आप इस तरह से आप यहाँ देख सकते हो, हैप्पी रमदान, यहाँ पर रमजान मुबारक, रमजान विशेष ठीक है। कंटेंट कैसे लिखना ये भी बताऊँगा आपको, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, प्लीज तो इसको आप लेना है ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो ये सर्विसेज है, तो ये सर्विसेज के लिए जो है वहाँ पर सर्च करना है, तो SERVICES इंटर करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो नीचे हम आ रहा था, देखो सर्विसेज साइट में प्राइवेसी राइट फॉर अस ब्लॉग टूर ये जो आ रहा था नीचे, यहाँ पर भी आपको मेन कीवर्ड एक रखना है और बाकी के सारे सब कीवर्ड रखने हैं ठीक है। तो यहाँ पर जो होम है, देखो तो जो मेन कीवर्ड होता है ना उसको हमेशा पहले रखना है ठीक है। तो ये होम है, तो वो तो होम यार रहना दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको छोड़ करके बाकी जो लिखा हुआ है ये सर्विस लिखा हुआ है, तो सर्विस को हटा करके आपको जो है सो मेन कीवर्ड पर लिखना है, पहले मेन कीवर्ड लिखना ठीक है। और ये ऊपर जो है ना उसको कहाँ पर यूज़ करना है ये भी मैं बताऊँगा आपको है ना, तो उसकी चिंता मत करो बिल्कुल, मैं कैसे कैसे करता हूँ आप भी इस तरह से काम करनी है ठीक है। और गाइस फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रह जाती है इसमें, आपको कोई समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ आप जो कमेंट कर लीजिएगा ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा ठीक है। तो फिर से आपको इसी तरह के जो है सो मेन कीवर्ड्स जो इसमें है उसको डालना है, और मैं इतना ही रहने देता हूँ, लेकिन आपको सारे काम करने हैं ठीक है, कर ही देता हूँ है ना। इसमें आपको क्या करनी है, आपको फिर से ये रमजान इमेजेज ये भी लेनी है आपको है ना, अगर पोस्ट लिखे हो तो उस पर लिखना ओके। राइट फॉर अस ये बिना मतलब का है, बहुत सारे को मैं हटा भी देता हूँ है ना, ये बिना मतलब का है, अनयूजुअल है, तो उसको मैं हटा दूंगा ओके। लेकिन अगर आपको और कुछ ऐड भी करना है तो आप इस बीच में इसको कॉपी मार करके फिर से यहाँ पर पेस्ट कर लेना, यहाँ पर फिर से उसमें चेंज कर लेना ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो कि itechguide.com है, तो यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट की लिंक डालनी है ठीक है, ये जो है सो अपनी वेबसाइट की लिंक डालनी है आपको है ना, यहाँ पर सारे जगह पर ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा जो कि मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है। यहाँ पर अभी तो मेरा मेन चीज़ नहीं हुआ, अभी मैं कस्टमाइज ही कर रहा हूँ, अभी कुछ आपको पता चलने वाला है ठीक है ओके। तो सेव थीम पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर मेरे विचार से जो भी है जो आप कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया है इतना चीज़ आप कर ही सकते हो ठीक है। पॉपुलर पोस्ट को हटा भी सकते हो यहाँ पर से है ना, लेकिन रहने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये आपको समझना कि होम है ये मेरा, इसका मतलब है कि मैंने अभी तक मैं आपको थीम कस्टमाइजेशन करना और ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं ये बताया, थीम कैसे अपलोड करते हैं ये बताया, और थीम कैसे कस्टमाइज करते हैं ये बताया ठीक है।